लड़ाई धीरे धीरे बढ़ रही आगे, और किसने कहा दलित और मुस्लिम एक नहीं हो रहे? मैं तो कहता हूँ ये लोग बीजेपी खुद हम लोगों को मजबूत कर रही है, जब जब हम पर शोषण ज़्यादा करेगी, जब जब हम मुस्लिम और दलितों को एक फ्रेम में ला के मारेगी तो वो एक फ्रेम और ज़्यादा मजबूत होगा। और दलित पर नेता लोग लड़ रहे हैं, चाहे वो माननीय चंद्रशेखर आज़ाद जी हों और उसके साथ साथ असदुद्दीन ओवैसी हों, ये तमाम ऐसे लोग ग्राउंड पर जो लड़ रहे हैं, चाहे बहन कुमारी मायावती हों। दलित और मुस्लिम कम्युनिटी को क्या करना चाहिए? देखो बिना एक 24 अब इस पर बताऊँ क्या करना चाहिए। मेरा मानना है कि अपना तीसरा फ्रंट बनाना चाहिए, थर्ड फ्रंट दलित और मुसलमानों का निखर रूप से, उसमें आदिवासियों को शामिल करना चाहिए, उसमें प्रॉपर ओबीसी जो आना चाहता है उनको शामिल करना चाहिए, लेकिन दलित और मुस्लिम खासकर इनकी भागीदारी होना बेहद ज़रूरी है। इनको अपना थर्ड अम्बेडकर फ्रंट बनाकर अपनी लड़ाई मजबूत कर उनसे उनके उनकी नज़र में दिखाना होगा कि हम तुम्हारे पीछे नहीं भागेंगे, तुम हमारे पीछे आओगे। राहुल गांधी के पीछे नहीं भागेंगे, राहुल गांधी हमारे पीछे भागे। चंद्रशेखर आज़ाद एक ऑर्गेनिक इस देश के नेता हैं, वो ऐसे नेता हैं जो तमाम चीज़ों को सहते हुए, तमाम चीज़ों से लड़ते हुए वहाँ तक पहुँचे हैं, तो उनको ज़रूरी है, उनका जो नगीना लोकसभा सीट है वहाँ की जनता से भी अपील है कि ऐसे नेता का पहुँचना बेहद ज़रूरी है। वो सबके लिए काम करेंगे, सिर्फ दलितों के लिए नहीं, वो हर चीज़ के लिए आने वाले टाइम पर नगीना की सीट में बोल रहा हूँ, जो अपर कास्ट होंगे ना उनके लिए भी काम होगा, क्योंकि वो जनता के काम करेंगे। तो ऐसे उस लड़ाकू व्यक्ति का पहुँचना बेहद ज़रूरी है। वो तमाम जो इस देश में आंदोलनकारी लोग हैं उनका पार्लियामेंट में जाना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि आजकल पार्लियामेंट में सुअर लोग हो चुके हैं। मगर सवाल ये उठ रहा है कि सबसे बड़ी आबादी दलित और मुस्लिम मानी जाती है, जिसको इंडिया गठबंधन में नकारा गया है, चाहे मायावती जी हो या फिर असदुद्दीन ओवैसी या बदरुद्दीन अजमल, इन सबको इंडिया गठबंधन ने नकारा है। और इंडिया गठबंधन ये भी चाहता है कि मुसलमान और दलितों का वोट लिया जाए और 2024 में सरकार बनाई जाए। इस पर बात करेंगे आशुतोष जी से। साथ ही जो एक मुद्दा और भी है, नगीना से चंद्रशेखर आज़ाद चुनाव लड़ रहे हैं, इस पर भी बात करेंगे। जिस तरह से आप जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी में आवाज़ उठा रहे हैं मुद्दों को लेकर, और आपके जो है एसिड अटैक भी हुआ, पहले ये जानना चाहूँगा ये क्या मसला था? देखो आपको पता ही होगा दिल्ली यूनिवर्सिटी में 180 दिनों से डॉक्टर रितु का एक मूवमेंट चल रहा है, आंदोलन चल रहा है, जो वो आंदोलन पूरी ऑल ओवर देश की सेंट्रल यूनिवर्सिटी को अफेक्ट कर रहा है कि जातिवाद का जो मुद्दा चरम पर, जिसकी वजह से रोहित बमला पायल तड़पी और ऐसे लोग बने, तो डॉक्टर रितु ने अपनी आवाज़ बुलंद की और हम पहले दिन से डॉक्टर रितु के साथ दिल्ली यूनिवर्सिटी में इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। तो अभी 6 तारीख को हमारी बड़ी रैली थी, लेकिन 5 तारीख की शाम को, क्योंकि मैं एक उस मूवमेंट का मुखर चेहरा हूँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट लीडर हूँ, तो उन्होंने मेरे पे घर खोलती हुई चाय एसिड अटैक प्लस चाकू मेरे सर में मारा, मेरे यहाँ पे मारा, निशान अभी भी हैं। तो ये 5 तारीख की शाम की बात है, 5 फरवरी की, तो ये सब हुआ, रिकग्नाइज हुए। आरएसएस के गुंडे थे, 18 से 19 लोग थे जिन्होंने, जिसमें 3 लोग जो लीड कर रहे थे उन तीनों को मैंने पहचान लिया है, FIR हो चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी अरेस्ट नहीं हुआ है। आशुतोष भाई, पिछले 10 सालों में देखा गया है कि दलित और मुसलमान कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है, ठीक है, मगर अब 24 का चुनाव है, इस समय जो सबसे बड़ा सेकुलर दल कहा जा रहा है वो मुसलमानों और दलितों को अनदेखा कर रहा है, उस पर क्या सोचते हैं? देखो उस पर सवाल तो बनता है कि कांग्रेस अपने आप को इंडिया गठबंधन नाम रखकर, उसकी अगुवाई कर सबसे ज़्यादा डेमोक्रेटिक, सबसे ज़्यादा सेकुलर, सबसे ज़्यादा देश को बचाने की भावनाओं को लेकर आगे बढ़ रहा है, लेकिन एक सवाल है कि दलित और मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन कहाँ है? दलित और मुस्लिम और बहुजन SC ST OBC वो पार्टियाँ कहाँ हैं उनके इंडिया अलायंस में? क्यों उनको जगह नहीं दी जा रही? क्यों आप लोग देखो एक बात तो है, चंद्रशेखर आज़ाद जी एक मुखर चेहरा है इस बहुजन पॉलिटिक्स का, क्योंकि कांग्रेस नहीं चाहती या ऐसा कोई अलायंस नहीं चाहता कि दलित मुस्लिम बहुजन लोग अपनी लड़ाई लड़ते हुए, अपनी लड़ाई लड़ने के बाद संसदीय पार्लियामेंट में जाकर अपनी आवाज़ बुलंद करें। और राहुल गांधी को ग्लोरीफाई किया जाता, मगर एक दो नेता ऐसे हैं चंद्रशेखर आज़ाद ज़मीन पे जो है दलित और मुसलमान सबकी आवाज़ उठा रहे हैं, एक संसद के अंदर असदुद्दीन ओवैसी हैं जो संविधान की बात करते हैं और बाबा साहब की बात करते हैं, इन दोनों नेताओं को जो है ना टेलीविज़न दिखाता है ना ही इनकी चर्चा होती है, इस पर आप क्या समझते हैं? देखो हमेशा से लड़ने वाले लोगों को यहाँ की मेन स्ट्रीम मीडिया ने अलग किया है, अब गोदी मीडिया है ना, सीधा सब सीधा ये तो जवाब कोई भी दे देगा, आजकल का छोटा बच्चा दे देगा कि ये मेन स्ट्रीम मीडिया क्यों लड़ने वाले लोगों को नहीं दिखा रही, आम जनता तक क्यों नहीं पहुँचा रही? क्योंकि मीडिया लोकतंत्र का जो जर्नलिज्म होता है, जो प्रिंट मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या मीडिया हाउसेज, वो एक किसी भी
लोकतंत्र देश का चौथा स्तंभ होते हैं, उसको तो तोड़ दिया है मोदी ने, पूरा दबा दिया है और ये देश अब पूरा एक लोकतांत्रिक देश से पूरा तानाशाही देश में कन्वर्ट हो रहा है धीरे धीरे, और हो चुका है मान लो जिस तरीके ईवीएम को हैक करके ये तमाम चीज़ों को ऐसे अपने अपने कब्जा लेके ईडी का गैर उसके उसके अपने पॉलिटिकल टूल की तरह इस्तेमाल करना, ये सारी चीज़ें बता रहा है। दूसरी ओर जमीन पर नेता लोग लड़ रहे हैं, चाहे वो माननीय चंद्रशेखर आज़ाद जी हो, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, मैं भीम आर्मी छात्र संघ का अध्यक्ष भी हूँ यही बता दूँ, और उसके साथ साथ असदुद्दीन ओवैसी हों, ये तमाम ऐसे लोग ग्राउंड पर जो लड़ रहे हैं, चाहे बहन कुमारी मायावती हों, उन सबको इंडिया अलायंस से अलग कर कर उनसे बात ना कर कर ये सीधे कांग्रेस का जातिवादी रूप दिखाता है। मैं राहुल स्पेशली कोई कांग्रेस नहीं है, राहुल गांधी जी कांग्रेस एक पूरी पॉलिटिकल पार्टी जिसमें कोर रूप से ब्राह्मणिकल हेजिमनी है, इस बात को मानना पड़ेगा। तो इसलिए कांग्रेस को इस चीज़ को देखना पड़ेगा, जो दिखावा कर रही है अपने आप को सोशल जस्टिस का प्रतीक दिखाकर, तमाम अपने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को दलित बनाकर, एक्चुअल में ये सीधा काम जैसे बीजेपी करती है, राष्ट्रपति दलित बना दिया, राष्ट्रपति आदिवासी बना दिया, लेकिन क्या एक्चुअल में ग्राउंड पर वो राष्ट्रपति दलितों के लिए काम कर रहा है, क्या वो राष्ट्रपति आदिवासियों के लिए काम कर रहा है? सामाजिक योद्धा बन रहे हैं, आपने देखा नहीं यात्रा निकाल रही है न्याय यात्रा जिसमें दलितों की बात नहीं हो रही है, जिसमें मुसलमानों की बात नहीं हो रही है। देखो यहाँ पर सामाजिक न्याय यात्रा निकाल कर सिर्फ अपने आप को ग्लोरीफाई करना कि यस आई एम द राहुल, आई एम दिस एंड डैट, आई एम दिस एंड डैट ओनली, नथिंग एल्स। अरे इससे अच्छा होता जो ग्राउंड पे जो काम कर रहे हैं नेता लोग उनसे जाकर मिला जाता उनकी सहमति के साथ, क्योंकि अगर मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में काम कर रहा हूँ तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में कोई बाहर का आ जाए, बाहर के आने के बाद कोई बोले कि भाई मैं तुम्हारा रिप्रेजेंटेटिव हूँ, जो मुझसे बिना बात करे, अगर मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में बहुजन की आवाज़ उठा रहा हूँ तो ये तो ठीक नहीं होगा ना, क्योंकि बहुजन स्टूडेंट्स मुझसे कनेक्ट हो रहे हैं ना, मैं उनका खासकर बीएसएफ का प्रेसिडेंट हूँ ना, मैं उस चीज़ को उन्होंने मुझे बनाया है, तो मैं कोई बाहर से आके तीसरा बंदा कोई बोले कि नहीं आई एम दी राहुल और मैं इस देश को बचाऊंगा, मैं सेकुलर बार, सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो ग्राउंड पे कौन, भीम आर्मी ग्राउंड पे कौन, तमाम ऐसे छोटे छोटे दल काम कर रहे हैं, और भीम आर्मी का तो एक असली चेहरा है कि वो लड़ने के से ही उभर के आई है, तो इस चीज़ को मानना पड़ेगा, राहुल गांधी को समझना पड़ेगा चुनाव से पहले, अगर एक्चुअल में अगर उनके दिमाग में देश को बचाने की भावना है, दिखावा कुछ हो रहा है, सच में वो मानते हैं। मैं पर्सनली उनका क्रिटिक नहीं करूंगा, लेकिन एज पॉलिटिकली मैं हमेशा क्रिटिक करता रहूंगा जब तक दलित मुस्लिम और तमाम ऐसे शोषित वंचित आदिवासी महिला आदिवासी लोग उस मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में नहीं आ जाते, और जेन्युइन लोग जिसकी बात हुई कि जो सच में भागीदारी के सच में उस हिस्सेदारी के लायक हैं वो जेन्युइन लोग। अच्छा जो गांव में हैं ठीक है, जो कम पढ़े लिखे हैं दलित हों चाहे मुसलमान हो, उनको हिस्सेदारी का मालूम नहीं है, वो जो है ये सोचते हैं कि हम कांग्रेस को वोट दे दें भाजपा रोकने के लिए, ठीक है, तो उनको क्या संदेश आप देना चाहेंगे, क्यों रिप्रेजेंटेशन इन दोनों कम्युनिटी का लोकसभा या विधानसभा या राज्यसभा में क्यों ज़रूरी है? देखो मैं सबसे पहले, क्योंकि मैं हमेशा से ये रहा है कि यूनिवर्सिटी पढ़कर मैं गाँव में ही काम करूँगा, मेरा मानना ये है कि अम्बेडकर के आदर्श यही हैं, तो दूसरी गांव की जनता के लिए या तमाम आम जनता के लिए एक ही मेरा संदेश है कि आप लोग देखिए क्या शिक्षा आपको मिल पा रही है, आप रोज़ मजदूरी करने जाते हो और तब जाके आपको शाम को 300-400-500 रुपए मिलते हैं, तो ये जो रोज़गारी का मुद्दा है, जो खाने का, जो उनकी हेल्थ, सबसे बड़ी दिक्कत हॉस्पिटल की है गाँव में, कोई मेडिकल सुविधा नहीं है आसपास भी गाँव में, कोई स्कूलिंग थोड़ी बहुत बढ़ गई है या पता नहीं, स्कूलिंग का तो ऐसा है कि सरकारी स्कूल खोलते हैं लेकिन टीचर नहीं आ रहे, तो शिक्षा रोजगार मेडिकल हेल्थ ये सारी चीज़ें जो हैं ये गांव के लिए मेन, ये आम जनता के लिए सबसे प्राइमरी काम है, इन चीज़ पे काम हो रहा है या नहीं ये सब ये देखना बेहद ज़रूरी है। गांव की जनता जिस दिन ये सब देखने लगी उस दिन मोदी कांग्रेस वो अपने आप समझ जाएंगी कौन उनका सच में उनके खिलाफ जो शोषण कर रहा है उसके खिलाफ उनकी साइड से खड़े होकर उन तानाशाहों से लड़ रहा है। जिस दिन वो ये चीज़ समझ गए और जिस दिन ये मेरी बातें समझ गए, तमाम जो हमारे नेता लोग बोलते हैं उनकी बातें समझ गए, तो गांव की जनता अपने आप रेवोल्यूशन ले आई, क्रांति लेगी और अपने पक्ष की लड़ाई उस पार्लियामेंट तक पहुंचेगी और पार्लियामेंट से फिर ऐसे कानून पास होंगे जो सच में जनता आम जनता गरीबों के पक्ष में आएंगे। 24 में दलित और मुस्लिम कम्युनिटी को क्या करना चाहिए? देखो बिना एक 24 अब इस पर बताऊँ क्या करना चाहिए, मेरा मानना है कि अपना तीसरा फ्रंट बनाना चाहिए, थर्ड फ्रंट दलित और मुसलमानों का निखर रूप से, उसमें आदिवासियों को शामिल करना चाहिए, उसमें प्रॉपर ओबीसी जो आना चाहता है उनको शामिल करना चाहिए, लेकिन दलित और मुस्लिम खासकर इनकी भागीदारी होना बेहद ज़रूरी है, इनको अपना थर्ड अम्बेडकर फ्रंट बनाकर अपनी लड़ाई मजबूत कर उनसे उनकी नज़र में दिखाना होगा कि हम तुम्हारे पीछे नहीं भागेंगे, तुम हमारे पीछे आओगे, राहुल गांधी के पीछे नहीं भागेंगे, राहुल गांधी हमारे पीछे भागेंगे, क्योंकि हम लोग 85% लोग हैं इस देश के, बहुजन लोग हैं हम लोग, हमारे अंदर वो काबिलियत वो सारी चीज़ें, हमारे पास संख्या है, हमारे पास वोट है, हमारे पास ताकत है उस चीज़ की, हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, उस रिसोर्सेज को कैप्चर करने के लिए इसलिए हमको पॉलिटिक्स में आना है। ये सब लोग बड़े लोग हैं जो दलित मुस्लिम, वो एक टेबल पे क्यों नहीं आ पा रहे हैं? देखो आ रहे हैं धीरे धीरे, आज भी आप देखे होगा तमाम दलित मुस्लिम सिख ईसाई लोग सारे आज तो आए,
लड़ाई धीरे धीरे बढ़ रही है आगे, और किसने कहा दलित और मुस्लिम एक नहीं हो रहे? मैं तो कहता हूँ ये लोग, बीजेपी खुद हम लोगों को मजबूत कर रही है, जब जब हम पर शोषण ज़्यादा करेगी, जब जब हम मुस्लिम और दलितों को एक फ्रेम में ला के मारेगी, तो वो एक फ्रेम और ज़्यादा मजबूत होगा, और दलित और बीजेपी की बीजेपी की जो वो है उसी कोर आइडियोलॉजी में उसको पैर रखते हुए जो उनकी आइडियोलॉजी है उसको कुचलने का काम करेंगे। और ये दो ही लोग हैं इस देश में जो बीजेपी को हरा सकते हैं, दलित या मुस्लिम। आशुतोष भाई, नगीना लोकसभा पे बात करेंगे, चंद्रशेखर आजाद ने दावेदारी की है, लोगों के बीच पहुंच रहे हैं और कह रहे हैं कि मैंने जमीन पे आपकी बहुत आवाज उठाई, अब मुझे वहां भेजो जहां बड़े बड़े लोग हैं और मैं वहां उनकी आंखों में आंखें डाल के आपके मुद्दे उठाऊंगा। मेरा मानना है कि हर उस व्यक्ति को सांसद में जाना चाहिए जो जमीन पे सारी चीज भुगत का है, जो रिलेट करता है कि मेरा घर मैं सिंपल एक मास्टर का बेटा हूँ, तो उस हर व्यक्ति को, क्योंकि वो आपकी और मेरी परेशानी समझेगा कि खाना चूल्हे पे बनता है, उसको धनिया और उसमें फ़र्क पता चलेगा मेथी में। तो चंद्रशेखर आज़ादी एक ऑर्गेनिक इस देश के नेता हैं, वो ऐसे नेता हैं जो तमाम चीज़ों को सहते हुए, तमाम चीज़ों से लड़ते हुए वहाँ तक पहुँचे हैं, तो उनको ज़रूरी है, उनका जो नगीना लोकसभा सीट है वहाँ की जनता से भी अपील है कि ऐसे नेता का पहुँचना बेहद ज़रूरी है। वो सबके लिए काम करेंगे, सिर्फ दलितों के लिए नहीं, वो हर चीज़ के लिए आने वाले टाइम पर, नगीना की सीट में बोल रहा हूँ, जो अपर कास्ट होंगे ना उनके लिए भी काम होगा, क्योंकि वो जनता के काम करेंगे। तो ऐसे उस लड़ाकू व्यक्ति का पहुँचना बेहद ज़रूरी है, वो तमाम जो इस देश में आंदोलनकारी लोग हैं उनका पार्लियामेंट में जाना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि आजकल पार्लियामेंट में सुअर लोग हो चुके हैं। मगर सवाल ये है ना, वहाँ पर जो बीएसपी के पहले से सांसद है, तो उनको, हाँ, उनको कमज़ोर क्यों किया जा रहा है? देखो, मैंने आज तक गिरीश चंद्र, मैं मिला हूँ, हाँ, बहुत अच्छे से मिला हूँ, जानता हूँ, मैं मुरादाबाद से हूँ, मेरे बगल में ही घर है उनका। गिरीश चंद्र जी क्या ऐसा कुछ काम कर पाए जनता के लिए? या उनसे पहले बीर सिंह जी थे, मायावती के बहुत खास माने जाते थे, अब तो समाजवाद, अब तो कहीं नहीं है। तो ऐसे ऐसे लोग कभी जनता के लिए काम नहीं कर पाए, जनता के लिए काम कर पाएंगे तो जनता अभी उनको एक्सेप्ट कर लेगी, जनता देख रहे हैं हम लगातार ग्राउंड पर हमारे लोग। उत्तर प्रदेश में 80 सीटें थे, कहीं और से क्यों नहीं? क्योंकि देखो, नगीना सीट का जो वो है, वहाँ पर हमारे लोगों ने काम किया अच्छे से, कहीं और सीट से कहीं और लोग कुछ और लड़ेंगे, अब जब डिसाइड हो गया कि सेफ जोन तैयार किया है। नहीं, सेफ जोन नहीं है, देखो, चंद्रशेखर आजाद जी तो जाकर एक वक्त ऐसा आएगा कि बनारस से भी सीट जीत सकते हैं, ये ऐसा, ये मैं दावेदारी पेश करता हूँ, ये लगा के रख लो, लेकिन 2024 को पार करना बेहद ज़रूरी है। 2024 में अगर इनको कैसे भी करके हम रोक पाए, भैया बहुत मुश्किल लड़ाई है, रोक पाए, अगर नहीं रोक पाए तो फिर ज़रूरत रहेगी नहीं पार्लियामेंट की, फिर तानाशाही में कन्वर्ट हो जाएगा, इसलिए ज़रूरी है आज के दौर में, आज की लड़ाई लड़ते हुए आज के देश को बचाना। क्या लग रहा है, जो अभी सर्वे आ रहे हैं उसके हिसाब से तो चंद्रशेखर आज़ाद मजबूत माने जा रहे हैं, तो क्या लग रहा है संसद पहुंच पाएंगे? देखो, मैं आपके माध्यम से बोल देना चाहता हूं, सब लोग सुन रहे होंगे आपको, ये लिख के रखवा लो, मुझसे लिख के दे रहा हूं कि चंद्रशेखर आज़ाद जी इस बार 2024 में पार्लियामेंट पहुंच रहे हैं नगीना सीट से, क्योंकि नगीना सीट बहुत क्रांतिकारी लोगों को उन्होंने पहले भेज रखा है, आपको पता होगा रामविलास पासवान जी, बहन जी, तो इसलिए हर क्रांतिकारी व्यक्ति वहां से गुजर रहा है, बहुत अच्छी है, बहुत लकी सीट है हमारे लिए, और लोगों और जनता की सपोर्ट हम उस सीट पर दिन प्रतिदिन हमारे प्रति बढ़ती जा रही है, क्योंकि वहाँ मैं भी गया हूँ और अच्छे से काम किया, जनता को हमने देखा। क्या देखा आपने वहाँ? देखो, जनता, चंद्रशेखर आजाद जी एक ऐसे नेता ना, मैं जाऊँगा, मैं जैसे अपने घर में जा रहा हूँ, परिवार में जा रहा हूँ, कि लोग जानते हैं, लोग ऐसे नहीं प्रोटोकॉल लगा रखा है, मिलने नहीं दिए जा रहे, ऐसे नहीं, एक जो नुक्कड़ पे जो एक क्रिकेट खेल रहा हो ग्राउंड में, एक हमारे जैसा यंग बच्चा, या फिर एक नुक्कड़ पे कोई सभाएं जो बैठती हैं, या घर में काम कर रही एक माँ, या बाहर काम कर रहा हो एक मजदूर, वो सबसे रिलेट कर पाते हैं, क्योंकि वो उसी समाज से निकले हुए व्यक्ति हैं। जनता को लगता है कि कोई ये नेता नहीं है, ये हमारे बीच का व्यक्ति है, इसको पहुंचना बेहद ज़रूरी है, जनता का ऐसा भाव हमने देखा है, मैंने खुद, और आने वाले टाइम पे मैं खुद नगीना मिलूंगा आपको वहीं। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि बीजेपी ने तैयार किया है चंद्रशेखर आज़ाद को, आगे बढ़ाया है। देखो, बीजेपी से आज के टाइम पे कोई लड़ पा रहा है ना, वो सिर्फ और सिर्फ अम्बेडकरवादी लोग हैं, सिर्फ और सिर्फ, बीजेपी को और कोई हरा ही नहीं सकता। अम्बेडकर पहले कहते थे कि इस देश में सिर्फ दो वाद हैं, एक मनुवाद, एक ब्राह्मणवाद, एक इंसानियतवाद, जो अम्बेडकरवाद बाद में बना, तो कांशीराम साहब भी ये बोल के गए थे। तो इसलिए बहुजन ही और अम्बेडकरवाद को सामने रखते हुए इस बीजेपी आरएसएस वाली मेंटेलिटी को हरा सकते हैं, क्योंकि वो अपने आप को तो बचा नहीं पा रहे, अब ऐसी चीज़ें होंगी तो अपने आप को कमज़ोर करेगा, क्योंकि देश भर में हमारे लोग हैं, देश भर में हम लोग, हम जानते हैं किस तरीके इस देश को बचाने की, इस देश की राजनीति में हमारा बहुत भाग रहा है, बहुत पार्टिसिपेंट है, अम्बेडकर साहब से लेके, कांशीराम से लेके, अब चंद्रशेखर आज़ाद जी तक सब। और अब इस बार बिजनौर में नीला झंडा फहरेगा नगीना सीट पे, ये मैं लिख के दे रहा हूँ।